नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की हलचल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की हलचल में चर्चा करेंगे। यहां पर हम बाजार के बारे में जानेंगे कि बाजारों से क्या बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, किस कम्युनिटी का क्या हालचाल देखने को मिल रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है हमारी, वो निकल के सामने आ रही है CPO की, यानी कि क्रूड पाम ऑयल की। तो आपको बता दें कि दुनिया के शीर्ष पाम तेल निर्यातक यानी कि इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस निर्यात के खिलाफ इंडोनेशिया के किसान अब एकजुट हो चुके हैं और सैकड़ों इंडोनेशिया किसानों ने मंगलवार को राजधानी जकार्ता में विरोध प्रदर्शन भी किया। सरकार से पाम तेल निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग है। दरअसल इंडोनेशिया की रिफाइनरियों ने स्टॉक ओवर होने के कारण किसानों से पाम फल की खरीदी बंद कर दी है। इससे वहां के किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, उनकी कमाई घट रही है। इंडोनेशिया की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां जल्द पाम तेल एक्सपोर्ट बैन हटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसी के डर से भारतीय बाजारों में स्टॉकिस्टों में घबराहट होने से उनकी मुनाफा वसूली की बिकवाली बढ़ गई। इस वजह से सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट रही। इंदौर में सोयाबीन तेल 10 रुपये टूटकर 1570 से 1575 रुपये प्रति 10 लीटर, पाम तेल इंदौर 1650 से 1655 रुपये प्रति 10 किलो हो गया। चीन के बाजार में सोया तेल में मामूली गिरावट आई है। पाम तेल भी कमजोर ही के साथ कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं पर सीबोर्ड सोया तेल प्रोजेक्शन 67 माइनस पर बंद होती नजर आई थी। तो यानी कि जिस हिसाब से इंडोनेशिया के अंदर पाम की स्थिति बन रही है, उसी से अब यही अपडेट्स आ रहे हैं कि बहुत ही जल्द इंडोनेशिया पाम तेल के निर्यात पर जो बैन लगाया था उसको हटा सकती है। और अब ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही लगी है कि अब हो सकता है कि जो आने वाला सोमवार होगा, सोमवार से इंडोनेशिया इस बैन को हटा दें। अभी ये सिर्फ ऐसी खबरें आई हैं, अब वक्त ही बताएगा कि सोमवार को इंडोनेशिया बैन को हटाता है या फिर कुछ दूसरी अलग सिचुएशन बनती है।